दोस्तों, मैं हूँ ममता। सिग्नेचर फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हम संध्या जसवानी जी के यहाँ। तो सबसे पहले मैं उनसे जानती हूँ कि आज हमें वो कौन सी डिश बताने वाली है। नमस्ते जी। मैं आज बेसन की टिक्की बताने वाली हूँ। वो रस्से में बनती है, रस वाली सब्जी में, वो रोटी के साथ खाई जाती है। तो चलिए चलते हैं संध्या जी के किचन में और जानते हैं कि बेसन की टिक्की की सब्जी कैसे बनती है। चलिए, तो हम आ चुके हैं संध्या जी के किचन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसन की टिक्की बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। टिक्की बनाने के लिए पहले बेसन लगेगा, करीबन आधा पाव रहे बेसन, और एक छोटा सा प्याज, उसमें दो एक हरी मिर्ची एकदम बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार, और खसखस चुटकी भर थोड़ी चम्मच। फिर में बेसन लेके उसमें प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च, जिसमें हरी मिर्च हाँ कटी हुई डालेंगे, और प्लस थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की सी ही, और एक चम्मच छोटी चम्मच जीरा और एक चम्मच इसको खसखस को छोटी, दो भर बड़े चम्मच ये वाले चम्मच मोहन के लिए तेल जी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक भी डालना है, स्वाद के अनुसार नमक डलेगा। तो बेसन में देख सकते हैं आप कि संध्या जी ने जो जो मिलाया है उसमें मोहन के लिए तेल डाला गया है, दो बड़े चम्मच प्याज, हरी मिर्च कटी हुई, और नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च इस्तेमाल करना है इसमें, जीरा डालना है, थोड़ा सा पानी जी। तो मिश्रण जो है तैयार हो रहा है। लगभग इसमें कितना समय लगता होगा संध्या जी? ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी, 10-15 मिनट लग जाते हैं। और इधर से अपन ये तेल गरम करना है डीप फ्राई करने के लिए। ये हमारे सिंधियों में जी बेसन की टिक्की खाई जाती है। वैसे जैसे आप घर पे रहती हैं तो और कौन कौन से डिश बनाती हैं आप? हम बेसन की इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी बनाते हैं, उसको हम लोग मूंगी मिठाई कहते अच्छा। हैं। तो संध्या जी हमें आज एक सिंधी डिश बना के बता रही हैं, आप भी घर में ट्राई करें। और हमारे सिंधियों में इसको एक रसे में बनाई जाती है, एक सिर्फ प्याज के उसमें, उसको हम सेल भाजी बोलते हैं अच्छा। उसमें भी बनाई जाती है इसी को, यही टिकिया को, उसमें तो इसे ग्रेवी में भी खा सकते हैं और ऐसे भी आप बना के खा हाँ, सकते हैं। ऐसे भी, हाँ ऐसे भी। इसको हम ऐसे ले लेंगे, पूरा इस टाइप का गोल बना लेंगे। आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं, जो आकार देना चाहते हैं, देख के। टिक्की जो है लगभग संध्या जी ने तैयार कर ली है, इसका शेप आप दे सकते हैं, कोई और नहीं, लेकिन डीप फ्राई के लिए इसे तेल में ऐसे डालना है। और थोड़ी सी कम आँच, थोड़ा अंदर तक पके उस हिसाब से। एक बार ऐसे पलटा के दोनों तरफ अच्छे से तला जाए, हल्की भूरी होने पे निकाल देंगे इसको। तो डीप फ्राई हो चुका है जो टिक्की थी, आप कलर देख सकते हैं इसका, पक गया है वो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आया उसका। बेसन की जो खुशबू रहती है वो तो बरसात के दिनों में वैसे भी लोगों को बस पहुंच ही जाए। हाँ, बारिश होए और हाँ बेसन की टिक्की या बेसन की भजिया नहीं खाए तो मजा ही नहीं है जी। इसको बंद कर दें। टिक्की हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल। ये दो चम्मच तेल डालेंगे, छोटा दो चम्मच। तो बिल्कुल सिंधी स्टाइल में आप देख रहे हैं ये खाना, तो जरूर सीखे बनाना क्योंकि ये है थोड़ा अलग। और जैसे कि संध्या जी बता रही है कि ग्रेवी अधिकतर हम कढ़ाई पे तैयार करते हैं जिससे ज्यादा भूंजा जाता है, सुगंध आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इस स्टाइल में कैसे बनाना है हमें। मैं जैसे तेल डाले ना जी, थोड़ा सा आधी चम्मच लाल मिर्ची पहले डाली, चम्मच हाँ, में छोटी डाल के, और तुरंत तेल ज्यादा गरम नहीं करना, ये प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद तुरंत बाद हम टमाटर डाल के
और अगर आपको आलू डालने हैं तो इसके ऊपर आलू डाल रख देंगे और नमक डाल देंगे और दो सीटी लगवा देंगे। ये चम्मच तेल नमक डाल दी। तो कुकर में देख सकते हैं आप ग्रेवी रेडी की जा रही है, टिक्की भी तैयार है और लगभग आधा प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसमें लाल मिर्च डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च छोटी चम्मच और ये ढक्कन लगा, नमक स्वाद अनुसार ढक्कन लगा के। कितनी सीटी पड़ेगी इसमें? दो सीटी जी। तो प्याज गल जाएगा, टमाटर भी गल जाएगा, आलू अगर डालना हो तो आलू भी डाल सकते हैं। इसमें पानी कितना डालेंगे हम? अभी पानी कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि टमाटर पानी छोड़ेगा जी तो प्याज को गला लेगा जी। खोल, ये ऐसे हो जाएगी, इसको फिर हम पीस लेंगे, इसको हम पीस लेंगे फिर मिक्सी में जाएगी। ये पिसा गया तो बिल्कुल ये पीस के तैयार कर लिया गया है इसे ग्रेवी। इसको ये हम इसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल जो ग्रेवी तैयार हुई थी उसे हमें ऐसे डालना है ये इस टाइप का। हाँ, अब थोड़ा सा अब हल्का भूनना पड़ेगा, चिपकेगा। हाँ, हल्का ब्राउन कलर आए तब तक भूनेंगे। तो ब्राउन होते तक इसे भूनना है। हाँ, वगैरह नहीं है जाएगा। हाँ, बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, ना ही ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया संध्या जी ने, बिल्कुल हेल्दी है ये। और ना ही इसमें कुछ ज्यादा प्याज भुना हुआ है। और ये दो चम्मच धनिया पाउडर। हाँ, धनिया पाउडर। तो देख सकते हैं इतनी अच्छी रेसिपी हमें आज संध्या जी बता रही है। इसके अलावा इन्हें सिलाई भी करती हैं, ये पार्लर भी चलाती हैं। देखिए अलग है, देखिए तेल, हालांकि हम थोड़ा सा ही तेल डाले थे, थोड़ा लगभग 5 मिनट तक हमें इसे भूनना। अगर आप गाढ़े में खाएंगे तो गाढ़े में ही रहने देंगे, मैंने नहीं तो हम आधा गिलास पानी डालेंगे। जैसा आप खाना पसंद करते हो ये डिपेंड करता है। आप थोड़ा इसमें पानी में मिला सकते हैं, जो हमने ग्राइंड किया हुआ था, मिक्स किया हुआ था, उसी में थोड़ा पानी लेकर हमें इसमें डालना है। अब आप इतने गाढ़े में खाना पसंद करते हैं तो ठीक, नहीं तो इसमें एक्स्ट्रा और पानी डाल सकते हैं। डाल के ये टिक्की थोड़ा सा ये उबलने के बाद अपन इस टिक्की को डालें। उसमें खोल आ जाए। हाँ हाँ, नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालें। ये आप टिक्की डाल देंगे, थोड़ा सा और खोल जाएंगे। इसमें आलू भी डाल सकते हैं आपकी इच्छा है। तो पूरी तरीके से ये तैयार होने ही वाला है। हाँ, देख सकते हैं आप टिक्की कितनी सुंदर दिख रही है इसमें ग्रेवी में। हाँ, इसके ऊपर अब धनिया डालेंगे जी और सर्व करने जी। पहले इसमें भी थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए, बस थोड़ा सा और पकने देंगे जब तक ये गल जाए। हाँ, ये देखिए गल रही है टिक्की, है ना। ये आप इसको से ये आपकी बेसन की टिक्की तैयार जी। देख सकते हैं आप जो हम लोग प्रोसेस हम पूरा देख रहे थे, बिल्कुल तैयार है बेसन की टिक्की की सब्जी। तो हम इसे टेस्ट करेंगे और खा के देखेंगे कि कैसी बनी है ये। तो चलिए, तो जो संध्या जी ने बनाया उसे मैं खा के देखती हूँ कैसी बनी। वैसे तो सुगंध इतना अच्छा आ रहा था इससे कि मैं मुझसे रोका नहीं जा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी है और जो सिंधी फ्लेवर कहते हैं ना इसमें पूरा आ रहा है। टिक्की जैसा बनाया था संध्या जी ने, इसे क्रिस्पी पूरा डीप फ्राई किया था, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है और ग्रेवी भी बिल्कुल वैसी स्वादानुसार है। तो मैं संध्या जी को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमें घर पे बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा और टिक्की तो बहुत ही अच्छी बनी है। आपको कैसा लगा हमारा शो? बहुत अच्छा लगा। तो कैसी लगी आपको बेसन की टिक्की की सब्जी? बने रहिए CLIPPER28 के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं हमें अपने घर बुलाना तो प्लीज हमें कॉल करें और जरूर अपने घर बुलाएं। बने रहिए CLIPPER28 के साथ। कैमरामैन छनु सिन्हा के साथ ममता मानकर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट CLIPPER28।